राधे राधे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही इसमें कि सुबह जब कूलर बंद करते हैं मम्मी वाले रूम में जाके लेटे रहते हैं, क्योंकि रात में हम वो पंखा बनवा के ले आए थे लेकिन लगाया नहीं है क्योंकि पेचकस मेरे पास फसला नहीं है। आज आते हुए मैं पेचकस लेके आऊँगा। और मेरा जो टी शर्ट था वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया पसीने की वजह से, एक ही रोज़ मैं पहन के जा रहा था तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि आज मैं टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ। वहाँ पर जाऊँगा तो फिर चेंज करूँगा। और ये वाला जो टी शर्ट है, ये वाला, ये इसकी ये नीचे की साइड में जो बाह है ये हल्की सी ओपन हो गई है इसकी सीलन, तो आज कॉल कर देंगे या मम्मी को भी बता दे रहे हैं, ऋतिक आएगा तो बनवा लेगा। और पहले खाना वाना खा ले, अभी मम्मी आए थी खिलाने के लिए, इतना गरम गरम खाना था कि उठ ही मारा जाए। पहले खा लें उसके बाद फिर निकला जाए। यहाँ मिक्सी उक्सी चल रही, जल्दी करो, मेरा टाइम हो गया है, मैं खाना भी खा लिया हूँ, जाने का टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी तक सेक ही नहीं बना पाई। और मेरी ये वाली तौलिया जो है, ये वाली एक्सपायर कर दी गई है, मम्मी कही कि अभी ये कोई यूज़ नहीं करेगा। आज ये बाउंड्री रखी हुई थी और मैं उठा के जाने लगा नहाने के लिए, मम्मी कही इसको बाहर रख के आओ फिर से, तो मैं इसको फिर से यहाँ रख दिया हूँ। अब ये कबूतर की यूज में आएगा, ये नीचे बिछाया जाएगा तो बढ़िया ऊपर सोएगा। ये लोग के वहाँ काम ही चल रहा है, दिन भर खिर रहे होता है। मम्मी कह रही है तुम पंखा भी नहीं लगाए उस रूम का कि इस रूम में इतनी आवाज़ आएगी, उस रूम में जाके सोए। अब क्या करें, बाहर से लगाएंगे, पेचकस लाना है आज, इतने पेचकस उचकस हैं सब पता नहीं, इधर उधर दे के गायब हो जाते हैं। ये हमारे दोनों पेड़ देखो, ये वाले दोनों चल रहे हैं, ये अनार का है, अमरूद। चले हम निकलते हैं, ये ब्रश वर्स बना रहे हैं, चल रहे हैं हम, बनाते रहे। गाइस तो दोपहर में सब लोग सो रहे थे, मम्मी पापा हम लोग सब लोग सो रहे थे तो जुकाम हो गया है, तेज इतना अंधेरा हो गया, ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे बहुत अच्छा मौसम हुआ है। लग रहा था एक बार बारिश नहीं होगी लेकिन यह है कि हो रही है, गर्मी बहुत है, अब थोड़ी शांति मिलेगी, तगड़ा मौसम हुआ एकदम काला बादल। ऋषभ कॉल करके बोल रहा है कि एकदम अंधेरा हो गया है, काला बादल हो गया है, देखे कि नहीं, हमने कहा हाँ देखे हैं। मैं निकल रहा हूँ कोचिंग के लिए और मेरे घर में इस समय पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, दीदी भी है, बस भैया ड्यूटी गया हुआ है। और ये देखो चिंटी, मम्मी वहाँ फ़ोन पे लगी हुई हैं, पापा वहाँ और दीदी उस रूम में। अब मैं चला कोचिंग, 3 बजे की है आज, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कैफ आ जाए उसके बाद चलते हैं। मौसम इतना तगड़ा हुआ, मतलब इतनी बारिश हुई है, आज मैं स्कूल से आया तो पूरा भरा हुआ था, मतलब हर जगह घुटने, मतलब मेरे घुटने तक पानी था, इतना पानी भरा हुआ था, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। ये देख सकते हैं मौसम, ये देखो पानी, अभी चलूँगा तो फिर दिखाता हूँ मैं रास्ते में कि कैसा है मौसम और कैसा हो रखा है रास्ता, तो बस आ जाए उसके बाद निकलते हैं। लोग आ चुके हैं हमको कोचिंग के लिए लेने और अभी भी बारिश हो ही रही है, देख सकते हैं। चला जाए भाई, नहीं जाने तो मन नहीं, मन नहीं है भाई, देखो मैम को पढ़ाएंगे हम, कब से हम लोग यहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई इंतजार? ये नहीं बोलते, तुम नहीं बोलो भाई ये बोल देता आदर्श आ नहीं रहा, बहुत देर से उसको पहले बोले थे, बल्कि सही चढ़ रही है कि आ जाना जल्दी पर आया ही नहीं। छोड़ चले आओ, चलेंगे लास्ट में पहरा की चला जाए छोड़ के, चलो चलो चलते हैं हम लोग गली के बाहर दें। कोचिंग से जब मैं वापस आया उसके बाद थोड़ी देर आराम किया था, सोया होया, और अभी जाके उठा हूँ तो सोच रहा हूँ कि छत पे चले या कहीं बाहर चला जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अकेले हूँ, तो सोच रहा हूँ छत पे चलते हैं। और कोई काम तो है नहीं इस टाइम, कहीं जाना नहीं है बाहर, और किसी का कॉल भी नहीं आया कि कहीं चला जाए,
तो छत पे चलते हैं।